समाज में और छोटे पर्दे पर कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जिसके कारण वो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं, उनको इंस्पायर करती हैं। और ऐसी ही कुछ महिलाओं का हुआ मुंबई में सम्मान। कहां पर और कौन कौन सी महिलाएं थी वहां पर और टीवी के कौन कौन से सितारे थे, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा अभी इसी वक्त। वो लोगों को प्रेरणा देती हैं, कई महिलाओं के लिए वो उदाहरण बन गई हैं। समाज में अपने बलबूते ना सिर्फ नाम कमाया है बल्कि वो सशक्त महिला के रूप में भी उभर कर आई हैं। ऐसे ही कुछ टीवी की जानी मानी महिलाओं को सम्मानित किया गया एस्पायरिंग शी अवार्ड से, जिसमें हिना खान को भी अवार्ड मिला तो दिव्यंका त्रिपाठी दहिया को भी। बिग बॉस 13 के फिनाले तक पहुंचने वाली आरती सिंह भी यहां मौजूद थीं, तो रोबोट बहू रिद्धिमा पंडित को भी अवार्ड मिला, क्योंकि इन सारी महिलाओं ने प्रसिद्धि के फलक पर अपने लिए एक अहम जगह बनाई है जो लोगों को इंस्पायर करती हैं। मेरे लिए काफ़ी मेरे लाइफ में लोग हैं जो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, मेरी फैमिली, मेरे डैड एंड रॉकी, माय ब्रदर। सो दीज पीपल, लाइक हैंडफुल ऑफ पीपल आर माय स्ट्रेंथ, एंड सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मैं खुद हूँ। हर रोज़ विमेंस डे होना चाहिए। इट्स जस्ट दैट विमेन डोंट जनरली रियलाइज दैट हाउ स्पेशल दे आर। हम लोग अपने अपने कामों में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी अहमियत कहीं ना कभी कभी भूल जाते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट विमेन रियलाइज दैट दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू द सोसाइटी। अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना हो या हस्बैंड्स का करियर एस्टैब्लिश करना हो या खुद का करियर बनाना हो, हम लोग हमेशा निरंतर लगे रहते हैं और हम लोग मल्टीटास्कर्स होते हैं। सबसे पहले तो आई थिंक एक औरत को भी औरत का सम्मान करना चाहिए। आई थिंक वो भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में आज के दिन। और फिर हम आदमियों पे जाएं, और चाहे वो फादर हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, चाहे जो भी हो, आई थिंक डेफिनेटली एक दिन तो नहीं, बट औरत एक ऐसी भगवान ने चीज़ बनाई है जिसका रोज़ सम्मान होना चाहिए, बट आई थिंक इज्जत से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो जेंडर डिस्पैरिटी होती है या जो इक्वल पे के लिए हम लोगों की फ़ाइट बरकरार है, इन चीज़ों को रिस्पेक्ट दिया जाए, इन चीज़ों को सीरियसली लिया जाए, एंड रिस्पेक्ट इज़ वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड मैं हमेशा अपने फैंस को भी कहती हूँ कि आप अगर मेरे फ़ैन हैं सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यू रिस्पेक्ट वुमेन, एंड आई थिंक ये हमें बचपन से सिखाया जाता है और इसे बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। टीवी सीरियल की दुनिया से जुड़ी हुई महिलाओं में यहाँ निवेदिता बासु भी थी, तो परख मदान भी, चाहत खन्ना भी मौजूद थी, तो टिकटॉक गर्ल मृणाल पंचाल भी, जिसने टिकटॉक के माध्यम से कई महिलाओं को प्रेरणा दी। मैं यही चाहूँगी कि किसी भी औरत को ये नहीं लगना चाहिए कि अरे वो उसके पास पैसा है या उसकी फैमिली इतनी सपोर्टिव है या वो तो इतनी सक्सेसफुल है, वो तो MD है। उस रीज़न की वजह से हम लोग एम्पावर्ड नहीं हैं। हम लोग इसीलिए एम्पावर्ड हैं क्योंकि हमने वो छोटे छोटे चेंजेस अपने आसपास के लोगों में करा, हमें जिस तरह से एक्सेप्ट करने के लिए कि हम ये हैं और हम यही रहेंगे। आप लोग उसी के दायरे में आ जाइए। मैंने बहुत सारी हाउसवाइफ, दादी नानी सब मैंने देखी हूँ, लाइक लिटरली, एंड वो लोग बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, बहुत वायरल जाते हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि वो लोग ये प्लेटफॉर्म पे आके कुछ अपना कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी बात है, क्योंकि वो लोग, उन लोगों के वीडियोज़ वायरल हो गए तो वो सब जगह वो स्प्रेड होता है, फिर वो नाम भी आता है, फिर उनका काम भी उससे, हाँ, उनका वो धीरे धीरे हो रहा है। तो अभी टिकटॉक भी बहुत सपोर्ट कर रहा है वुमेंस को, मतलब कौन सा भी कंटेंट हो वो लोग पुश कर रहे हैं। या आज से कुछ सालों पहले तक घर के कामों को काम नहीं माना जाता था। अगर हाउसवाइफ सारा दिन घर पे बिजी है तो वो काम नहीं कर रही है। आई थिंक अब वो माइंडसेट बदल रहा है, एटलीस्ट जहाँ से मैं देख रही हूँ या जो मेरी दुनिया है या जो मेरे जान पहचान के लोग हैं, जहाँ से मैं देख रही हूँ वो चीज़ें अब बदल रही हैं। इसलिए अगर आप देखें तो बाहर भी अब हाउसवाइफ को सिर्फ हाउसवाइफ ना कहकर होम मेकर कहा जाता है, बिकॉज आई थिंक घर संभालना दुनिया का सबसे बड़ा काम होता है। इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड। वैसे यहाँ समाज में दूसरों के लिए प्रेरणा बनने वाली बहुत सारी महिलाएं थी जो अलग अलग क्षेत्र में अपना नाम कमा चुकी हैं। मुंबई से सुमावेद अवस्थी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।
ये है ABP News, आपको रखे आगे।